जय हिंद दोस्तों, सैनिक टॉप 10 न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर से, जिसमें बिहार सहरसा की घटना है। बता दें कि इसमें सेना के जवान सिपाही ब्रजेश छुट्टी पर थे और वो हेलमेट पहन के कहीं जा रहे थे, हेलमेट पहने थे, बाइक में जा रहे थे। उनका रास्ते में किसी ने हेलमेट, जब कहीं गाड़ी खड़ी की तो हेलमेट किसी ने चुरा लिया और वापस आते टाइम उनको एक एसआई सब इंस्पेक्टर ने रोका, पुलिस वालों ने रोका और उनका चालान भी काटा। उन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे मेरा हेलमेट खो गया, मैं छुट्टी से सेना से ऐसे हूँ और छुट्टी से आ रहा, छुट्टी में हूँ और मेरा हेलमेट खो गया है। लेकिन इन्होंने उनका चालान भी काटा और उसने जब इतनी बात कही तो इन्होंने उसकी पिटाई भी कर दी। जब पिटाई कर दी तो सिपाही ब्रजेश ने जाके कई एक्स सर्विसमैन को बुला के लाए और रोड पर खड़े हो गए। देखा तो कई पुलिस वाले ऐसे थे जो कि बिना हेलमेट के बिना निकल कर जा रहे थे। सबको उसने रोका और सबको रोक के बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया और उसमें सबको रोक के कहा कि आपके हेलमेट नहीं है, आप सेना को बता रहे, सिखा रहे कि ऐसे ऐसे चलना है, आपका हेलमेट कहाँ है। जब ऐसे कहा तो ये मामला पहुंच गया है डीएसपी तक और बड़ा मामला बनता जा रहा है। ट्विटर पर कई लोग इसमें शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, और बता दें कि सिविलियन भी इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और सिविलियन ने भी इसको काफ़ी अच्छा कहा कि फौज को आप सिखा रहे हो, जबकि सबको पता है कि पुलिस में कितनी रिश्वत लेते हैं, कितना भ्रष्टाचार है, कितना फालतू के केस बना देते हैं, बिना मतलब के काम सब पुलिस में चलते हैं और सेना की वर्दी में एक भी दाग ना होने के कारण भी आप ऐसे, अगर उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तब भी उनको ऐसे पकड़ के और उनको चालान काट रहे हो, उसके बाद पिटाई कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बेइज्जती की बात है। तो इसका मामला डीएसपी तक पहुंच गया है। आगे जो अपडेट होगा उसका मैं लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा। इसके पहले बता दें दूसरी बड़ी खबर है, जनरल एस मोर एसएम यानी कि सेना मेडल एस मोर साहब ने कमेंट किया है कि अग्निवीर योजना में युवाओं का क्या कसूर है, उन्हें सेना में 4 साल नौकरी के बाद सेना से निकाल दिया जाएगा, तो उनका क्या कसूर है, तो ये उन्होंने कमेंट किया है। रोजगार से संबंधित समाचार में भूतपूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट, सर्विंग जवानों के डिपेंडेंट के लिए नौकरियां निकली हुई हैं, जिसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। 10th पास, 8th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन होल्डर के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग जॉब लोकेशन में वैकेंसी का वीडियो बना दिया है, जिसने नहीं देखा है वो देख ले। उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट से भी आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी वैकेंसियाँ हैं और बता दें 6000 से ऊपर वैकेंसियाँ हैं, अलग अलग जॉब लोकेशन है, अलग अलग स्टेट की वैकेंसी है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक के डिपेंडेंट की भी काफ़ी वैकेंसियाँ हैं और भूतपूर्व सैनिकों की भी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट भूतपूर्व सैनिकों से और डिपेंडेंट के मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।